ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इन्वायरमेंट की लेसन, जो कि हमारी शंकर आई एस की बुक से चल रही है। तो काफ़ी लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट आपकी बची है। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है, जो कि मैं अभी एक दो दिन में आपकी कंप्लीट करा दूंगी, जो भी यहाँ पर टॉपिक बची हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने स्टार्ट करी थी, तो काफ़ी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम तक मैंने पढ़ा रखी है। आज मैं यहाँ पे कोरल रीफ से स्टार्ट करूँगी और रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। फिर हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस है, फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो बस इतनी ही आर्टिकल और इतनी ही टॉपिक आपकी चैप्टर बची हुई है, तो इसको भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करा देती हूँ। एक दो दिन में मैं इस बुक को कंप्लीट करा देती हूँ। ओके, सो रेस्ट ऑफ द लेसन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग को बहुत सारी लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करते हैं मैंग्रोव के साथ। मैंग्रोव्स भी आपकी कवर नहीं हुई थी, इससे पहले मैं वेटलैंड और एस्चुरी को कवर कराई थी। तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं मैंग्रोव्स के साथ। एक्चुअली मैंग्रोव्स होते क्या हैं? बिल्कुल से आपको मैंग्रोव जो देखने को मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन है, यानी कि ऐसे आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे जो कि कोस्ट लाइन के बगल में होते हैं। और यहाँ पे कुछ लिथोरल प्लांट फॉर्मेशंस होती हैं। मैंग्रोव्स में आपको ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, बशेस भी होते हैं, जो कि हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड में ये आपका ग्रो करते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते थे मैंग्रोव्स के। तो मैंग्रोव्स के बारे में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट होते हैं, जो कि कुछ शेल्टर्ड जो शोर्स होते हैं ना, यानी कि जहाँ पे आपका लैंड और जो आपकी जो सी है वो जहाँ पे मिलती है, उस शोर्स में जहाँ पे आपका प्लांट ग्रो करता है। टिपिकली ये टाइडल फ्लैट होते हैं, डेल्टास होती है, एस्चुरी होते हैं, बे होते हैं, क्रिक होते हैं और बैरियर आइलैंड होते हैं। तो ये जो बेस्ट लोकेशन है आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पे रिवर डाउन हो रही है, यानी कि जहाँ पे आपका रिवर का एक देखने को मिलेगा कि रिवर जो बहते हुए आ रही है वो यहाँ पे सी से जहाँ पे मिल रही है, यानी कि कोई ओशन वगैरह से मिल रही है, तो उस एरिया में आपको मैंग्रोव ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल अगर हम लोग यहाँ पे एडेप्टेशन देखें, तो सैलिनिटी स्ट्रेस होती है, वाटर लॉक्ड एंड एरोबिक मड होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा मड वाला रीजन होना चाहिए, पूरी तरीके से वाटर जमीन इसको नहीं चाहिए, तो इस जगह पे आपका जो है ज़्यादा फ्लरिश होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंग्रोव ट्री है, यानी कि यहाँ पे हल्का फुल्का लैंड है, मड वाली एरिया है, साथ ही आपको चारों जो है ओशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है बड़े बड़े पेड़ और शब देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव जो है इसमें वेराइटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। कुछ स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि राइजोपोरा है, ये आपको देखने को मिलेगा वाटर वगैरह में रहती है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे आपके जो है स्पीसीज़ भी देखने को मिलेंगे, वेजिटेशंस भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा वास्ट वेजिटेशंस भी होते हैं। मैंग्रोव में आपको जो है कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सीक्रेट एक्सेस साल्ट भी होती है जो कि लीव्स के थ्रू होती है। तो इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको समझना चाहिए कि मैंग्रोव्स कहते किसको है। अब देखते हैं कि मैंग्रोव प्रोफाइल इंडिया में, जो कि सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखोगे कि इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरबन वाली एरिया में पाई जाती है, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है हमारे टाइडल हाइपो होलोफिटिक आपका होलोफाइटिक मैंग्रोव्स का, जो मेजर स्पीसीज है इस डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट में। इसके आपको ये सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो इसको आपको याद भी नहीं रखना क्योंकि कभी नहीं पूछा जाता। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये फेमस है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और साथ ही साथ क्रोकोडाइल के लिए। मैंग्रोव एरिया की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर्ड ये होती है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। जो मैंग्रोव है ना वो भीतरकनिका की, जो कि उड़ीसा वाले रीजन में, वो सेकेंड लार्जेस्ट है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। एक सेकेंड, हाँ इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड यहाँ पे भी है। साथ ही साथ जो मैंग्रोव स्वैम्स है ना वो यहाँ पे आपका होता है, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैंग्रोव ऑफ पिचावरम है और वेदरानायम है, जो कि आपका डिग्रेडेड है मेनली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वा कल्चर पॉन्ड्स की कंस्ट्रक्शंस और सॉल्ट पेंस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंग्रोव कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले जो सुंदरबन वाली मैंग्रोव है वो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल वाली रीजन में। फिर महानदी मैंग्रोव है, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव है, फिर यहाँ पे मैंग्रोव ऑफ गुजरात है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कच्छ वाले एरिया में भी रत्नागिरी मैंग्रोव है, जो कि आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में। गोवा की मैंग्रोव है, यहाँ पे कावेरी डेल्टा मैंग्रोव है, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार मैंग्रोव है। तो वो सारी एरिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पर हमारी जो है बे ऑफ बंगाल है, ये अरबियन सी है और नीचे जो है इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर और जो हमारे लैंड वाली जो आपकी पोर्शन है, जब यहाँ पर आकर मिलती है तो यहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे आपकी वेजिटेशंस होती है, स्पीसीज होती है। तो इन सारे एरिया को हम लोग यहाँ पे जो है मैंग्रोव कहते हैं। तो टोटल आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हम लोग के कोस्ट लाइन वाले एरिया में मैंग्रोव है। अगर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे देखें तो ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है,
तो मैंग्रोव जो है ना यहाँ पे आपके थोड़े बहुत डिग्रेडेड है और इंटर टाइडल रीजन में है, जैसे कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक वाले रीजन में। वही मैंग्रोव वेजिटेशंस अगर हम लोग कोस्टल जोन ऑफ केरल में देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्पार्स और थीन है, बहुत ही पतली है। गुजरात में अगर आप मैंग्रोव देखोगे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पेशीज़ है, जो कि गल्फ ऑफ आपका कच्छ और गोरी क्रिक में है। साथ ही मैंग्रोव्स आप देखोगे तो स्क्रबी टाइप की होती है, इसमें स्टंटेड आपकी ग्रोथ है, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ी ही ग्रोथ है। साथ ही जो कंडीशन है मैंग्रोव की वो इम्प्रूविंग कर रही है, स्पेशली कोरी क्रिक रीजन में जो इसमें आपको इंडस रिवर्स भी देखने को मिलेगा। अगर साइज के हिसाब से देखें तो मैंग्रोव जो है ना वो बुशी स्टैंड्स यानी कि जो ड्रॉफ मैंग्रोव होते हैं, छोटे छोटे जो मैंग्रोव होते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, उससे लेकर आपके बड़े बड़े आपके मैंग्रोव है जो कि सुंदरबन वाले एरिया में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल टाइडल एस्चुरीज है और नेनेटिक इनलैंड है लगून से, जो कि एक डेंस और डाइवर्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैंग्रोव फ्लोरा है उसको यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो ये सब तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इंडिया में कहाँ कहाँ मैंग्रोव है ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिए। अब देखते हैं कि मैंग्रोव का रोल क्या है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल है, तभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मैंग्रोव की प्लांट है ना, इसमें कुछ एडिशनल स्पेशल रूट्स होती हैं, जैसे कि कुछ खास तरीके की इसकी जड़ें होती हैं। साथ ही अगर बात करें तो मैंग्रोव जो है ना हमारे मॉनसून टाइडल फ्लड को काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट करके रखती है, जो हमारे कोस्टल लो लैंड है ना उसको और ज़्यादा लो होने से इसको रोकती है। साथ ही यहाँ पे जो कोस्टल सॉइल इरोजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हो कि ये हमारी लैंड है और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जितनी भी सॉइल है ना वो यहाँ पे इरोड हो सकती है, क्योंकि पानी के कारण क्या होता है कि ये पानी की बहाव आएगी और आराम से जो है ये हमारी जो सॉइल है मिट्टी है ये इरोड होके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मैंग्रोव है यानी कि डेंस फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट है ट्रीज़ है यानी कि उसकी जड़ है, तो जड़ क्या करती है कि सॉइल को पकड़ के रखती है अपने साथ, तो उसमें जितनी भी तेज़ आंधी आए, जितनी भी तेज़ बारिश हो, जितनी भी तेज़ पानी की फुहारे हो, वो क्या होता है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह बह के नहीं जाती है। तो सबसे मेन कारण यही है, मेन रीज़न यही है और मेन रोल यही है कि सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करती है, साथ ही हमारे कोस्टल लैंड को भी ये प्रोटेक्ट करती है, सुनामी वगैरह नहीं आते, हरिकन और फ्लड आने से ये रोकती है। साथ ही मैंग्रोव जो है हमारे नेचुरल रिसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है, बहुत सारे फ्लोरा और जो वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पर सपोर्ट करती है, एक सेफ़ और फेवरेबल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करती है जिसमें कि आपके बहुत सारे फिशेज़ वगैरह और ब्रीडिंग आपका एरिया होता है। कोस्टल इनलैंड को ये प्रोटेक्ट करती है एडवर्स क्लाइमेटिक आप क्लाइमेट एलिमेंट से। साथ ही ये वुड वगैरह, फायरवुड हो, मेडिसिनल प्लांट हो और एडिबल प्लांट हो, इसको लोकल पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को और वो अपने लाइवलीहुड जो है इन सारे मैंग्रोव्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो ये तो मेन आपका देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है आपकी रोल है। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे कोरल रीफ के बारे में है। तो कोरल रीफ भी आप लोग देखे होंगे, कोरल देखे होंगे, कोरल क्या है कि एक लिविंग एनिमल होती है, एक्चुअली एक लिविंग एनिमल है, लेकिन कोरल में क्या है ना कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि समटाइम्स दूसरे के साथ इसका रिलेशनशिप होता है, फिर बैक एंड रिटर्न वाला होता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप कोरल का होता है ना वो दूसरे के साथ होता है, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा देने वाली यहाँ पे कोरल का जो है रिलेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सी फ्लोर में आप देखोगे कि अलगी है जो कि कोरल पे आपका लाइव करती है, कोरल के कारण ही वो सर्वाइव करती है, और कोरल में जो इतने ज़्यादा कलर होते हैं, कलरफुल आप लोग को देखने को मिलते हैं, वो जस्ट बिकॉज अलगी के कारण होते हैं। अलगी जो है वो कोरल को कलर देती है और कोरल क्या करते हैं कि कोरल के कारण अलगी जो है वो जीवित रह पाती है, तो एक दूसरे के बेनिफिट से ही वो यहाँ पर जी पा रहे हैं। तो इस तरीके का कोरल आप लोग देखे होंगे कि अंडर सी आप लोग देखे होंगे काफ़ी खूबसूरत होती है, एकदम कलरफुल होती है। तो जो कोरल की टिश्यूज़ होती है ना वो अपने आप में एक्चुअली वो ब्यूटीफुल कलर नहीं होते कोरल रीफ की, बट यहाँ पे आपका क्लियर होता है, वाइट कलर की कोरल होती है। तो कोरल जो इस तरीके की आपकी कलर लेती है ना वो उनके टिश्यूज़ के अंदर होती है और ये जो कलर लिया जाता है वो अलगी से ही लेते हैं। ओके तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के कोरल हैं, एक हार्ड कोरल होते हैं और सॉफ्ट कोरल होते हैं, जैसे कि सी फैंस है, जॉर्जियंस है, तो ओनली हार्ड कोरल आप देखोगे ना तो वो रीफ़ बनाती है, यानी कि रीफ रहने का जो होता है वो यहाँ पे रीफ बनाती है। तो कोरल रीफ की जो बिल्डर्स है ना वो टाइनी एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग पॉलिप्स कहते हैं, यानी कि पॉलिप्स होता है, यानी कि आपका एक जितने भी जो डेथ एनिमल्स होते हैं उसकी जो आपकी स्केलेटन होती है ना उसके पॉलिप से ही बनता है। तो कोरल रीफ जो है एक लेयर ऑफ दिस स्केलेटन को यहाँ पे बिल्डअप करते हैं और ये अल्टीमेटली जो है ना ये कवर्ड किया जाता है और ये अल्टीमेटली जो है लिविंग पॉलिप्स के द्वारा इसको बनाया जाता है।
अगर कोरल रीफ की बात करें तो बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ कोरल रीफ्स है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है, साथ ही ये डीप वाटर कोरल में भी पाई जाती है कुछ ठंडे वाले रीजन में। तो कोल्ड वाटर अगर कोरल की बात करें तो कोल्ड वाटर कोरल है जो कि डीप कोल्ड वाटर में होती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल्ड वाटर कोरल है ना वो वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल वो रीफ बहुत कम है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 डिफरेंट टाइप की आपको जो है कोरल स्पीसीज देखने को मिलेगी जो कि इस तरीके का रीफ बनाती है। तो लार्जेस्ट जो यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर कोरल रीफ है ये आपका रोस्ट रीफ है जो कि नॉर्वे में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोरल रीफ के अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है कि ये एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि शैलो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है जहाँ पे सी वाटर काफ़ी क्लीन है, क्लियर है और थोड़ी गर्म हो। कोरल रीफ जो है ना इंडियन वाटर को कवर कर रखी है वो भी यहाँ पे 19,000 स्क्वायर किलोमीटर तक। कोरल रीफ की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव और कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम है जिसमें कि हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। वहीं अगर हाई प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे उनकी खुद की प्राइमरी प्रोडक्शन है, साथ ही साथ ये सपोर्ट किया जाता है सराउंडिंग हैबिटेट से। रीफ बिल्डिंग कोरल की बात करें तो एक सिम्बॉलिक एसोसिएशन है जिसमें कि पॉलिप है यानी कि कोरल एनिमल है और साथ ही साथ जूज़ैंथेलिन है जो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक आपकी एल्गी को कहा जा रहा है। कोरल अगर जनरली देखें तो स्लो ग्रोइंग है, बहुत ही धीरे धीरे ये ग्रो करती है। इवन कोरल को अगर देखें तो ये न्यूट्रिएंट जो पुअर वाटर है ना उसी में रहती है, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो अब यहाँ पे जो कम न्यूट्रिएंट है उसको भी रिसाइकिल कर सके। तो कोरल रीफ इकोसिस्टम में देखें तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, प्लांट है जो कि इसके साथ कोरल के एसोसिएशन के साथ रहती है। अब क्लासिफिकेशन और लोकेशन देख लेते कि कहाँ कहाँ है। तो कोरल रीफ जो है ना वो क्लासिफाई किए हुए हैं उनके लोकेशन के हिसाब से, जैसे कि फ्रिंजिंग है, पैच है, बैरियर है, एटॉल है। तो ये कहाँ जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनके हिसाब से कोरल रीफ को जो है वो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो ये कंटिगियस है जिसमें कि शोर है और ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं और ये हमारे रीफ फॉर्म में ही अकर होते हैं और ये मेनली अंडमान वाले रीजन में पाए जाते हैं जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पैच रीफ की तो पैच रीफ काफ़ी अलग होते हैं, ये डिसकंटिन्यूस पैच होते हैं यानी कि इस तरीके से आपका कोरल रीफ पैच के फॉर्म में पाया जाता है और ये आपका जो है ना ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर में होते हैं, मेनली आपको पाक बे में देखने को मिलेगा यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलेगा और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि आपके गुजरात वाले रीजन में है वहाँ पर आपको इस तरीके का पैच रीफ देखने को मिलेगा। बैरियर रीफ की बात करें तो बैरियर रीफ जो है ना वो आपको पैलर देखने को मिलेगा यानी कि इस तरीके से कोस्ट लाइन है तो यहाँ पर आपका बैरियर रीफ है। तो इस तरीके का आपका जो है पैलर फॉर्म में बना रहता है। जो वाटर बॉडी आपका रीफ और जो शोर के बीच में है इसको हम लोग लगून कहते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये वाटर बॉडी है और यहाँ पे आपका जो है रीफ है, तो रीफ के बीच में जो एरिया होता है ना इसको यहाँ पे लगून कहा जाता है। और बैरियर रीफ जो है वो हम लोग निकोबार और लक्षद्वीप वाले रीजन में बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप की जो यहाँ पे आपकी कोरल रीफ आती है वो है एटॉल। एटॉल क्या है कि सर्कुलर मोशन में होती है और सेमी सर्कुलर रीफ भी होती है जो कि यहाँ पे आपके सी फ्लोर जो प्लेटफॉर्म है ना उसी से अराइज होकर आती है और ये कोरल रीफ बिल्डिंग को भी यहाँ पे बनाती है। साथ ही साथ आप एग्जांपल देखोगे एटॉल का तो ये सारी एटॉल की जो एग्जांपल है वो आपको लक्षद्वीप और निकोबार में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इतनी तरीके की आपकी पैच रीफ है, यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ है, बैरियर रीफ है, एटॉल है। तो इस तरीके से जो है आपकी कोरल रीफ की जो है आपकी डिवीजन है और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 मेजर अगर हम लोग रीफ एरिया की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है कोरल रीफ की, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद गल्फ़ ऑफ मन्नार है और फाइनली गल्फ़ ऑफ कच्छ है। तो ये 4 एरिया है जो कि हमारे कंट्री में यहाँ पे पाई जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोरल रीफ की फंक्शन क्या है। कोरल रीफ जो है एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि आपकी इरोजन और स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट में, यानी कि तूफान वगैरह आए या फिर इरोजन के लिए आए तो कोरल रीफ क्या करती है कि सारी चीज़ों को पकड़ के रखती है। कोरल एनिमल्स जो है वो हाईली अडेप्टेड होते हैं, वो यहाँ पे कैप्चर करते हैं जितने भी प्लैंकटॉन होते हैं वाटर से तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक सबस्ट्रेट देखने को मिलेगा ये मैंग्रोव के लिए और कोरल रीफ जो है ना एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट में, तो इन लोगों को रहने का जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ट्रेड की बात करें तो आज के डेट में आपको पता है कि कोरल ब्लीचिंग एक बहुत ही बड़ा ट्रेड है, पॉल्यूशन है जिसके कारण देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है जिसके कारण जो है कोरल की डेथ देखने को मिल रही है। तो कोरल ब्लीचिंग है जो कि एक तरीके का यहाँ पे आपको एक एजेंडा देखने को मिलेगा जिसके कारण इस तरीके का जो है थ्रेड देख हो रही है। तो ब्लीचिंग मतलब क्या होता है कि कोरल की कलर जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है यानी कि जूज़ैंथेलिन का वो यहाँ पर कम होने लगती है जिसके कारण जो है जूज़ैंथेलिन कहने का मतलब एल्गी है, तो एल्गी की कमी होने लगती है जिसके कारण एल्गी
के कारण ही तो कोरल में कलर होती है। तो अगर कलर नहीं होगा तो कोरल जो है डेथ डेथ माना जाएगा। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये एक हेल्दी कोरल है जिसमें कि आपको एल्गी देखने को मिल रहा है। ब्लीचिंग कोरल में क्या होता है कि इस तरीके का कोरल हो जाता है, ब्लीच हो जाता है, और उसके बाद ये डेड कोरल है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्केलेटन कवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। लेकिन कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या क्या है ये समझना ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि कोरल को सर्वाइव करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो कि है 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके बीच में जो है कोरल सर्वाइव करती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है या फिर घट जाती है तो इसके कारण क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर एक मेजर कॉजेज है। और आज के डेट में आपको पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण जो है कोरल सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है सोरल सोलर इरेडिएशंस। तो इससे क्या होता है ना कि ब्लीचिंग जो है मेनली आपको समर मंथ में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आज के डेट में पहले क्या था कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम था नदन रीजन में, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे लास्ट ईयर जो है 2019 में 45 डिग्री भी क्रॉस कर चुका था। तो इसलिए ये हाई सोलर इरेडियंस आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंस होती जा रही है जिसके कारण जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद सब एरियल एक्सपोजर है, यानी कि अगर हम रीफ फ्लैट कोरल के अगर सब एरियल एक्सपोजर देखें तो वो सडन हो रही है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट हो रही है जैसे कि लो टाइड है, हाई टाइड की ज़रूरत होती है, लो टाइड हो रही है जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सी लेवल ड्रॉप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेडिमेंटेशन की, तो फ्यू इंस्टेंसेस है कोरल ब्लीचिंग की जो कि यहाँ पे सेडिमेंट के कारण हो रहा है, लेकिन ये आपका जो है एक माइनर ही आप रीज़न बोल सकते हो, आपका मेजर रीज़न नहीं है। फिर फ्रेश वाटर डायल्यूशन है, यानी कि रैपिड डायल्यूशन देखने को मिल रहा है रीफ वाटर का, वो भी आपका जो है स्टॉर्म जनरेटेड जो प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है, उसके कारण जो है यहाँ पर आपका कोरल रीफ जो ब्लीचिंग है वो ज़्यादा हो रही है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट है, कहने का मतलब है कि जो कोरल रीफ ब्लीचिंग हो रही है एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशंस में, तो ये भी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली जो यहाँ पे हमारी एल्गी की डेंसिटी है वो 2 से 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यूट्रोफिकेशंस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि यूट्रोफिकेशंस कहने का जिसमें कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ओशन में कम हो जाती है, तो इसके इसकी कारण नहीं है जिसके कारण जो है आपका एल्गी लॉस हो रहा है, तो ये नहीं है। इससे क्या हो सकता है ना कि सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हमारी जो कोरल रेजिस्टेंस है वो कम हो सकती है, ग्रेटर यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी देखने को मिलेगा डिजीज़ का। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे जेनोबायोटिक है, यानी कि जू जेंथलिन्स जो है वो लॉस हो रही है, और ये क्यों हो रहा है क्योंकि कोरल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे केमिकल कंटामिनेंट्स जो से जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आपका CU है, हर्बिसाइड्स है, ऑयल है, ये सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आने से भी क्या होता है कि कोरल की डेथ होने लगती है। फिर एपिजोटिक्स है, तो कुछ पैथोजेंस है जिसमें कि ब्लीचिंग एजेंट यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है, तो ये डिफरेंट होता है दूसरे शॉर्ट ऑफ ब्लीचिंग से, लेकिन मोस्ट जो कोरल डिजीज़ है ना वो यहाँ पे पैची के फॉर्म में आता है और फिर पूरी तरीके से ये डेथ हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न आप देख सकते हो। अगर गवर्नमेंट की आप मेज़र्स देखें कि किस तरीके से वो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोरल रीफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेज़र्स लेकर आए, तो इसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी एक मंशा रखी है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, सस्टेन किया जाएगा, और जो ऑगमेंट हमारी मैंग्रोव और कोरल रीफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी जोन में अगर हम लोग देखें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाई गई है, और ये नोटिफिकेशन 2011 में आई थी। फिर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन आई थी 2011 में, जो कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ को डेवलप करी थी, वो भी सी कोस्ट में और टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज़ में। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मैंग्रोव है और जो कोरल रीफ है उसको यहाँ पे जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कैटेगराइज किया गया था, जहाँ पे कोई भी नया स्ट्रक्चर नहीं है जिसको परमिट किया जाए, एक्सेप्ट कुछ प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से या फिर पाइपलाइन से ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, और यहाँ पे आपका आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड जो आपकी इन्वायरमेंट है उन्होंने बनाई थी नेशनल और स्टेट लेवल पर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं कि इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या क्या लिया गया, तो सबसे पहला है कि कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम है, ये इंप्लीमेंट किया गया है 1991 से, और यहाँ पे जो हमारे कोस्टल वाटर की जो हेल्थ है उसको एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है लैंड ओशन इंटरेक्शन इन कोस्टल जोन है, जो कि 1995 से ये आपका किया गया। तो ये सारी आपकी स्कीम नहीं पूछी जाती क्योंकि काफ़ी पुरानी है, जो कुछ नया किया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये आपका जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वो इस बार न्यूज़ में था, तो इससे जो है आपकी क्वेश्चन बन सकती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये कोस्टल स्ट्रेच जितनी हमारी इंडिया में है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो आप लोग को पता है कि हमारी जो सदर्न पोर्शन है ये हमारी ईस्ट वेस्टर्न घाट हो गई, ये ईस्टर्न घाट हो गई, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में जो है काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारी नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि गंगा कंजर्वेशन के लिए एक मिशन लाया गया था जिसका नाम है नमामि गंगा, तो इसको सेटअप किया गया, और यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस था वो यहाँ पे 2037 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे एक पर्पस था कि किस तरीके से गंगा रिवर को हम लोग को क्लीन करना है, कंजर्व करना है और इम्प्रूव करना है। तो ये तो मेन इसका एम है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और प्रपोज़ किया गया था कि नमामि गंगा प्रोग्राम के अंदर, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कि निर्मल धारा, यानी कि यहाँ पे हमारी म्यूनिसिपल जो सीवेज मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना है। फिर यहाँ पे जो प्रायोरिटाइजेशन है उसको, प्रोजेक्ट जो प्रायोरिटाइजेशन है उसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। फिर यहाँ पे स्टेट को इंसेंटिवाइज़ करना है कि वो इस प्रोजेक्ट को ले, और जिस जिस स्टेट से यहाँ पे गंगा बह रही है उस स्टेट को यहाँ पे इंसेंटिवाइज़ किया गया था कि वो यहाँ पे गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लें। फिर उसके बाद इसी की स्कीम के अंदर आप देखोगे कि निर्मल धारा है, तो निर्मल धारा यहाँ पे जो भी सीवेज है यानी कि रूरल एरिया से जो सीवेज आ रही है उसको यहाँ पे मैनेज करना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्कीम के तहत है। साथ ही यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है यानी कि जो इंडस्ट्री से उद्योग से निकलने वाले जो कचरे हैं वो सीधे रिवर पर डंप कर दिए जाते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। फिर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि इकोलॉजिकल रिजुवेनेशंस की बात की जा रही है, यानी कि गंगा रिवर में कितने एक्वेटिक लाइफ और बायोडायवर्सिटी है उसको यहाँ पे आपका जो है अच्छे तरीके से रिजुवेनेट करना है। फिर यहाँ पे हमारी जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। नॉलेज मैनेजमेंट ऑन गंगा जो है वो गंगा नॉलेज सेंटर के थ्रू यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंस जो है उसके अंदर ये आती है। तो ये आपको नमामि गंगा भी याद रखना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये है हमारी NRI गंगा फंड, यानी कि NRI जो है नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे इंडिया के प्रोसेस में कैसे डेवलपमेंट हो सके, तो इसमें वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, साथ ही कल्चर को प्रिजर्व करने के वो ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारी जो रिवर गंगा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे फंड का ओपन किया गया है। तो जो NRI है अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो NRI गंगा फंड के थ्रू जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रॉड एक्टिविटीज़ क्या क्या यहाँ पे फाइनेंस किया गया है क्लीन गंगा फंड के द्वारा। तो एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे रखा गया है नमामि गंगा के अंदर, तो ये यहाँ पे है कि रिवर गंगा को क्लीन करना है, जो नॉन पॉइंट पॉल्यूशंस है एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ह्यूमन डिफिकेशन है, कैटल वॉलिंग है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, और एक वेस्ट ट्रीटमेंट को सेटअप करना है, डिस्पोजल प्लांट को सेटअप करना है, साथ ही साथ यहाँ पे रिवर के साथ साथ ही साथ हमारी जो यहाँ पे हमारी कंजर्वेशन है यानी कि ब्लॉक डाइवर्सिटी का, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग जो ह्यूमन इंटरफेस का जो पॉल्यूशन है, जैसे आप लोग देखते हो कि गांव वगैरह में क्या होते हैं कि लोग वहीं पे नहाते हैं, वहीं पे डेफिकेट करते हैं, वहीं पे कपड़े वगैरह धोते हैं, और तो और उनके अगर पशु वगैरह भी है, गाय वगैरह, तो उसको भी वहीं पर नहलाते, तो इससे क्या होता है ना कि हमारी रिवर गंदी हो रही है, वो लोग तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन रिवर गंदी हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ध्यान जाएगा दिया जाएगा इनोवेटिव प्रोजेक्ट किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और रिवर को जल्दी से जल्दी क्लीन करें। कुछ और एक्टिविटीज़ है जो कि इस तरीके के ट्रस्ट से यहाँ पे आपका अप्रूव किया गया है। अब रिसेंट मेजर्स अगर हम लोग देख लें तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज़ रखी है कि किस तरीके से मेजर वाटर रिवर सिस्टम को यहाँ पे कंजर्व करना है और रिजुवनेट करना है। न्यू स्ट्रैटेजीज़ जो है ना वो इंटायर रिवर बेसिन पे है, और जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है कि रिवर को, पर्टिकुलर रिवर को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। तो आप लोग को पता है कि ऐसा नहीं कि रिवर गंगा ही गंदी है, आप लोग को पता है कि यमुना रिवर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। साथ ही साथ आप लोग जो है साउथ में भी जाइएगा तो बहुत सारी रिवर है जो कि इस तरीके के पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है, तो इसलिए इस तरीके की रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो रिवर गंगा है वो 5 स्टेट से होके बहती है, हमारी हो गई यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक सेकेंड ये क्या हो गया, अब ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपकी रिवर जो है 5 स्टेट से होके, गंगा रिवर जो है सबसे पहले उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये पांच स्टेट से होकर गुजरती है। तो बहुत ही ज़्यादा मेजर, यहाँ पे आपको पता है कि मेजर पॉपुलेशन हमारे नदर रीजन के यहीं पे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उनकी लाइफ यहाँ पे रिवर गंगा के ऊपर। तो इसलिए नमामि गंगे जो आपका एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है क्लीन करने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योगदान दिया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, हमारी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि हमारी चैप्टर नंबर 5 है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।